तो हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल निखिल आज हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, जो कि हम बात करेंगे अब बजट फोन्स की, जो कि हैं 8000 के अंडर और 10000 के अंडर। अंडर 8000 एंड 10000 में फोन्स तो लगभग बहुत आते हैं, लेकिन जो टॉप फोन्स हैं जो मेरे को बढ़िया लगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले 8000 की बात करते हैं, पहले 8000 के देखते हैं कौन कौन से सेट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अंडर 8000 के बीच में। तो पहले नंबर पे हम शुरू करते हैं फिनिक्स हॉट 8 से, जो कि है 6.52 HD प्लस डिस्प्ले, 13+2 MP ईयर कैमरा एंड 8 MP सेल्फी कैमरा, और ये आता 5000 mAh बैटरी के साथ। तो इसकी रैम रोम होगी 4GB/64GB और प्रोसेसर इसका होता है मीडिया टेक P22। तो ये अंडर 7999 में आ जाता है। तो आप इनफिनिक्स हॉट 8 को यूज़ करके देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन है रेडमी 8A। ये 6.22 HD प्लस डिस्प्ले में मिलता है, 12 MP कैमरा एंड 8 MP सेल्फी कैमरा, तो 5000 mAh बैटरी के साथ, और 332 GB इसका वेरिएंट, स्नैपड्रैगन 439 इसका प्रोसेसर। ये अंडर रुपीज़ में 8000 में आपको अवेलेबल हो जाता है, तो काफ़ी ठीक फ़ोन है। और सबसे बढ़िया बात, 18 वोल्ट फास्ट चार्जर है, सी टाइप है, और इसका कैमरा भी बढ़िया है, और बैटरी बैकअप भी इसका 5000 का है। तो इस रेंज में आपको ऐसे ऐसे फ़ोन बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट फोन इज़ माय फेवरेट, उसका नाम है रियलमी C3। तो ये 6.5 HD प्लस की डिस्प्ले में 12 MP+2 MP कैमरा और 5 MP सेल्फी कैमरा, तो 5000 mAh में मिल जाएगा, और 464 GB के वेरिएंट में, और ये रुपीज़ भी 8500 की रेंज में मिल जाएगा। और ये सबसे बेस्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से जो कि अब तक आए हैं 8000 की रेंज में। तो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन है रियलमी 3i। तो ये आता है 6.22 HD प्लस की डिस्प्ले के साथ, 13.2 MP रियर कैमरा एंड 13 MP सेल्फी कैमरा, तो 4230 mAh की बैटरी के साथ, 464 GB की रैम रोम और MTK हीलियो प्रोसेसर 60 के साथ। बट ये फिर भी रियलमी C3 की टक्कर नहीं ले सकता। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 10000 के अंडर वाले फ़ोन्स, जो कि जिसका बजट 10000 के अंडर है उनके लिए फ़ोन्स देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीवो U10 से, जो कि 6.35 HD प्लस की डिस्प्ले में मिलता है, 13+8+2 MP का रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा 8 MP, तो 5000 mAh बैटरी के वेरिएंट में, 332 रैम रोम, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर एंड प्राइस रेंज 10000। नेक्स्ट फोन रेडमी नोट 8, जो कि 6.3 FHD प्लस डिस्प्ले के साथ, 48+8+2+2 MP रियर कैमरा एंड 13 MP सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, 464 GB रैम रोम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड रुपीज़ 10500 की रेंज में आपको मिल जाएगा ये सेट। सो नेक्स्ट फोन इज इनफिनिक्स नोट 7। ये मिड मई में लॉन्च हो जाएगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, 6.95 FHD प्लस डिस्प्ले, 48+5+2 MP का रियर कैमरा एंड 5000 mAh की बैटरी, MTK हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड रेट है 10000। तो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन है रियलमी 3 प्रो। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 710 बहुत बढ़िया है। रियलमी 3 प्रो इंडिया में लॉन्च किया था, तो इस सेट के कारण रियलमी के और सेट में बहुत गिरावट देखनी पड़ी, तो इसी कारण इसका प्राइस रेंज 10000 से 12-13000 कर दिया। तो नेक्स्ट फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M30, जो कि 6.4 FHD प्लस डिस्प्ले के साथ और साथ में SMOLED डिस्प्ले, और 13+5+5 MP का रियर कैमरा एंड 16 MP सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी के साथ, 332 GB रैम रोम एंड प्रोसेसर एक्जीनोस 7904 और प्राइस रेंज 10000 विद सी टाइप।
तो दोस्तों अगर आपने अंडर 10,000 के फ़ोन लेने ही हैं तो एक महीना रुक जाओ बस, क्योंकि मई की एंड में रियलमी नार्जो नार्जो सीरीज़ अपने फ़ोन लेके आ रही है 10 एंड 10 ए, रेडमी नोट 9 लेके आ रही है जो कि 10 ए के साथ कम्पीट करेगा, रेडमी 9 आने वाला है जो कम्पीट करेगा 10 से, इन्फिनिक्स हॉट 9 आने वाला है, इन्फिनिक्स नोट 7 एंड नोट 7 लाइट आने वाला है, सैमसंग गलेक्सी M11 आने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अंडर बजट फ़ोन आएंगे जो नार्जो सीरीज़ लेकर आ रही है। सो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइबर ठोको अभी और प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।